9 जनवरी 2023 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली की महावाक्य है, मीठे बच्चे मरजिवा बने हो तो सब कुछ भूल जाओ, एक बाप जो सुनाते हैं वही सुनो और बाप को याद करो, तुम्ही संग बैठो। प्रश्न है, सदगति दाता बाप बच्चों की सदगति के लिए कौन सी शिक्षा देते हैं? उत्तर है, बाबा कहते बच्चे सदगति में जाने के लिए अशरीरी बन बाप और चक्र को याद करो, योग से तुम एवर हेल्दी निरोगी बन जाएंगे, फिर तुम्हें कोई भी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, जिनकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह ज्ञान सुनने के लिए कहेंगे हमारे पास फुर्सत ही नहीं है, वो कभी ब्राह्मण कुल के भांति नहीं बनेंगे, उन्हें पता ही नहीं पड़ेगा कि भगवान भी किसी रूप में कभी आते हैं। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। भगवान बैठ भक्तों को समझाते हैं, भक्त है भगवान के बच्चे, सभी है भक्त, बाप है एक, तो बच्चे चाहते हैं एक जन्म तो बाप के साथ भी रहकर देखें। देवताओं से भी बहुत जन्म बीते, आसुरी संप्रदाय के साथ भी बहुत जन्म बीते, अब भक्तों की दिल होती है एक जन्म तो भगवान के बनकर भगवान के साथ रहकर देखें। अभी तुम भगवान के बने हो, मरजिवा बने हो तो भगवान के साथ रहते हो। यह जो अमूल्य अंतिम जीवन है इसमें तुम परमपिता परमात्मा के साथ रहते हो। गायन भी है, तुम्ही से खाओ, तुम्ही से बैठो, तुम्ही से सुनो। जो मरजिवा बनते हैं उनके लिए यह जन्म साथ रहना होता है, यह एक ही है ऊंचे ते ऊंचा जन्म, बाप भी एक ही बार आते हैं, फिर तो कभी आ नहीं सकेंगे। एक ही बार आकर बच्चों की सर्व कामनाएं पूर्ण कर लेते हैं, भक्ति मार्ग में मांगते बहुत हैं, साधु संत महात्माओं देवी देवताओं आदि से आधा कल्प से मांगते रहते हैं। और दूसरा, जब तब दान पुण्य आदि भी जन्म बाय जन्म करते ही आए हैं, कितने शास्त्र पढ़ते हैं, अनेकानेक शास्त्र मैगजीन आदि बनाते थकते ही नहीं, समझते हैं इनसे ही भगवान मिलेगा। परंतु अब बाप खुद कहते हैं, तुम जन्म जन्मांतर जो कुछ पढ़े हो और अब यह जो कुछ शास्त्र आदि पढ़ते हो, इनसे कोई मेरी प्राप्ति नहीं होगी। बहुत किताब आदि हैं, क्रिश्चियन लोग भी कितना सीखते हैं, अनेक भाषाओं में बहुत कुछ लिखते ही रहते हैं, मनुष्य पढ़ते ही रहते हैं। अब बाप कहते हैं, जो कुछ पढ़े हो वह सब भूल जाओ अथवा बुद्धि से मार दो। बहुत किताब पढ़ते हैं, किताबों में है फलाना भगवान है, फलाना अवतार है। अब बाप कहते हैं, मैं खुद आता हूँ तो जो मेरे बनते हैं उनको मैं कहता हूँ, इन सबको भूल जाओ, सारी दुनिया की और तुम्हारी बुद्धि में जो बात नहीं थी वह अब मैं तुमको सुनाता हूँ। अब तुम बच्चे समझते हो बरोबर, बाबा जो समझाते हैं वह कोई शास्त्र आदि में है नहीं, बाप बहुत गुह्य और रमणीक बातें समझाते हैं, ड्रामा के आदि मध्य अंत रचता
और रचना का सारा समाचार तुमको सुनाते हैं, फिर भी कहते हैं, अच्छा जास्ती नहीं तो दो अक्षर ही याद करो, मन मना भव मध्याजी भव। यह अक्षर तो भक्ति मार्ग की गीता के हैं, परंतु बाप इसका अर्थ अच्छी रीति समझाते हैं। भगवान ने तो सहज राजयोग सिखाया है, कहते हैं सिर्फ मुझे बाप को याद करो। भक्ति में भी बहुत याद करते थे, गाते भी हैं, दुख में सुमिरन सब करें, फिर भी कुछ समझते नहीं। जरूर सतयुग त्रेता में सुख की दुनिया है, तो याद क्यों करेंगे। अब माया के राज्य में दुख होता है, तब बाप को याद करना होता है, और फिर सतयुग में अथाह सुख भी याद आता है। उस सुख की दुनिया में वही थे जिन्होंने बाप से संगम युग पर राजयोग और ज्ञान सीखा था। बच्चों में देखो है कैसे अनपढ़, उन्होंने लिए तो और ही अच्छा है, क्योंकि कहाँ भी बुद्धि जाती नहीं है, यहाँ तो सिर्फ चुप रहना है, मुख से भी कुछ नहीं कहना है, सिर्फ बाबा को याद करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर साथ ले जाऊंगा। यह बातें कुछ न कुछ गीता में है, प्राचीन भारत का धर्म शास्त्र है ही एक, यही भारत नया था अब पुराना हुआ है। शास्त्र तो एक ही होगा ना, जैसे बाइबल एक है, जब से क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ है तो अंत तक उनका शास्त्र एक ही है। क्राइस्ट की भी बहुत महिमा करते हैं, कहते हैं उसने पीस स्थापन की, अब उसने तो आकर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, उसमें पीस की तो बात ही नहीं। जो आते हैं उनकी महिमा करते रहते हैं, क्योंकि अपनी महिमा को भूले हुए हैं। बौद्ध क्रिश्चियन आदि अपने धर्म को छोड़ औरों की महिमा नहीं करेंगे। भारतवासियों का अपना धर्म तो है ही नहीं, यह भी ड्रामा में नूंदा हुआ है। जब बिल्कुल ही नास्तिक बन जाते हैं तब ही फिर बाप आते हैं, बाप समझाते हैं। बच्चे स्कूलों आदि में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उनमें फिर भी एम ऑब्जेक्ट हैं, फायदा है, कमाई होती है, मर्तबा मिलता है। बाकी शास्त्र आदि जो पढ़ते हैं उसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। पढ़ाई को कभी भी अंधश्रद्धा नहीं कहेंगे, ऐसे नहीं कि अंधश्रद्धा से पढ़ते हैं। पढ़ाई से बैरिस्टर इंजीनियर आदि बनते हैं, उसको अंधश्रद्धा कैसे कहेंगे। यह भी पाठशाला है, यह कोई सत्संग नहीं। लिखा है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो समझना चाहिए जरूर ईश्वर का बहुत भारी विद्यालय होगा, सो भी विश्व के लिए है। सभी को पैगाम भी देना है कि देह सहित सभी धर्मों को छोड़ अपने स्वधर्म में टिको, फिर अपने बाप को याद करो तो अंत मति सो गति हो जाएगी। अपना चार्ट लिखना है कितना समय हम योग में रहते हैं, ऐसे नहीं हर एक रेगुलर चार्ट लिखेंगे, नहीं थक जाते हैं। वास्तव में क्या करना है, रोज अपना मुंह आईने में देखना है तो पता पड़ेगा कि हम लक्ष्मी को वा सीता को वरने लायक हैं वा प्रजा में चले जाएंगे। पुरुषार्थ तीव्र कराने के लिए चार्ट लिखने को कहा जाता है, और देख भी सकते हैं कि हमने कितना समय शिव बाबा को याद किया।
सारी दिनचर्या सामने आ जाती है। जैसे छोटेपन से लेकर सारे आयु की जीवन याद रहती है ना, तो क्या एक दिन का याद नहीं पड़ेगा? देखना है हम बाबा को और चक्र को कितना समय याद करते हैं। ऐसी प्रैक्टिस करने से रुद्र माला में पिरोने के लिए दौड़ी जल्दी पहनेंगे। यह है योग की यात्रा, जिसको और कोई जानते नहीं तो सिखा कैसे सकते? तुम जानते हो, अब बाबा के पास लौटना है। बाबा का वर्षा है ही राजयोग, इसलिए इस पर नाम पड़ा है राजयोग। तुम सब राज ऋषि हो, वह है हठयोग ऋषि, वह भी पवित्र रहते हैं। राजयोग में तो राजा रानी प्रजा सब चाहिए, सन्यासियों में तो राजा रानी है नहीं, उनका है हद का वैराग्य, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। वह घर बार छोड़ फिर भी इस विकारी दुनिया में ही रहते हैं। तुम्हारे लिए तो इस दुनिया के बाद फिर है स्वर्ग, देवी बगीचा, तो वही याद पड़ेगा। यह बात तुम बच्चे ही बुद्धि में रख सकते हो, बहुत हैं जो चार्ट लिख भी नहीं सकते, चलते चलते थक पड़ते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे अपने पास नोट करो कि कितना समय मोस्ट बिलीव्ड बाप को याद किया। जिस बाप की याद से ही वर्षा लेना है, जब राजाई का वर्षा लेना है तो प्रजा भी बनानी है। बाबा स्वर्ग का रचयिता है, तो उनसे क्यों नहीं स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए? बहुत है जिनको स्वर्ग का वर्षा मिलता है, बाकी को शांति मिलती है। बाप सभी को कहते हैं, बच्चे देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलो, तुम अशरीरी आए थे, 84 जन्म भोगे, अब फिर अशरीरी बनो। क्रिश्चियन धर्म वालों को भी कहेंगे, तुम क्राइस्ट के पिछाड़ी आए हो, तुम भी बिगर शरीर आए थे, यहाँ शरीर लेकर पार्ट बजाया, अब तुम्हारा भी पार्ट पूरा होता है। कलयुग का अंत आ गया है, अब तुम बाप को याद करो। मुक्ति धाम वाले सुनकर बहुत खुश होंगे, वह चाहते ही मुक्ति हैं, समझते हैं जीवन मुक्ति यानि सुख पाकर फिर भी तो दुख में आएंगे, इससे तो मुक्ति अच्छी। यह नहीं शांति कि सुख तो बहुत है, हम आत्माएं परम धाम में बाप के साथ रहने वाली हैं, परंतु परम धाम को अब भूल गए हैं। कहते हैं बाप आकर सभी मैसेंजर्स को भेजते हैं, वास्तव में कोई भेजता नहीं है, यह सब ड्रामा बना हुआ है। हम तो सारे ड्रामा को जान गए हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में बाप और चक्र याद हैं, तो तुम चक्रवर्ती राजा अवश्य बनेंगे। मनुष्य तो समझते हैं यहाँ दुख बहुत है, इसलिए मुक्ति चाहते हैं। यह दो अक्षर गति और सदगति चले आते हैं, परंतु इनका अर्थ कोई भी नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो। सबका सदगति दाता एक बाप ही है, बाकी सब पतित हैं, दुनिया ही सारी पतित हैं। इन अक्षरों पर भी कोई कोई बिगड़ते हैं। बाप कहते हैं, इस शरीर को भूल जाओ, तुमको अशरीरी भेजा था, अब भी अशरीरी होकर मेरे साथ चलना है। इसको नॉलेज
अथवा शिक्षा कहा जाता है। इस शिक्षा से ही सदगति होती है। योग से तुम एवर हेल्दी बनते हो। तुम सतयुग में बहुत सुखी थे। कोई चीज की कमी नहीं थी। दुख देने वाला कोई विकार नहीं था। मोह जीत राजा की कथा सुनाते हैं। बाबा कहते हैं, मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो तुमको कभी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। वहाँ ऐसी ठंडी भी नहीं होगी। अभी तो पांच तत्व भी तमो प्रधान है। कभी बहुत गर्मी, कभी बहुत ठंडी, वहाँ ऐसी आपदाएं होती नहीं। सदैव बसंत ऋतु रहती है। नेचर सतो प्रधान है। अभी नेचर तमो प्रधान है, तो अच्छे आदमी कैसे हो सकते हैं? इतने बड़े बड़े भारत के मालिक सन्यासियों के पीछे फिरते रहते हैं। उनके पास बच्चियां जाती हैं तो कहेंगे फुर्सत नहीं। इससे समझ जाते हैं कि इनकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं है। ब्राह्मण कुल के भांति बनते ही नहीं। इनको पता ही नहीं कि भगवान कैसे और कब यहाँ आते हैं। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव को सभी भगवान नहीं समझते हैं। अगर उनको परमपिता परमात्मा समझते तो शिव जयंती के दिन हॉलिडे मनाते। बाप कहते हैं, मेरा जन्म भी भारत में होता है। मंदिर भी यहाँ है। जरूर किसी शरीर में प्रवेश किया होगा। दिखाते हैं, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचा तो क्या उसमें आया होगा? ऐसे भी नहीं कहते। श्री कृष्ण तो होता ही है सतयुग में। बाप खुद कहते हैं, मुझे ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण वंशावली रचनी है। कोई को यह भी तुम समझा सकते हो। बाबा कितना सहज समझाते हैं, सिर्फ याद करो। परंतु माया इतनी प्रबल है जो याद करने नहीं देती। आधा कल्प की दुश्मन है। इस दुश्मन पर ही जीत पानी है। भक्ति मार्ग में मनुष्य ठंडी में स्नान करने जाते हैं, कितने धक्के खाते हैं, दुख सहन करते हैं। यहाँ तो पाठशाला है, पढ़ना है। इसमें धक्के खाने की तो कोई बात ही नहीं। पाठशाला में ब्लाइंड फेथ की तो बात नहीं। मनुष्य तो बहुत ब्लाइंड फेथ में फंसे हुए हैं। कितने गुरु आदि करते हैं, परंतु मनुष्य तो कभी मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते। जो भी मनुष्यों को गुरु बनाते हैं वह ब्लाइंड फेथ हुआ ना। आजकल छोटे बच्चों को भी गुरु कराते हैं। नहीं तो कायदा है वानप्रस्थ में गुरु करने का। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की सिखिलते रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, तीव्र पुरुषार्थ के लिए याद का चार्ट जरूर रखना है। रोज आईने में अपना मुंह देखना है, चेक करना है। हम मोस्ट बिलवेड बाप को कितना समय याद करते हैं। दूसरी पॉइंट है, जो कुछ पढ़ा है वह भी भूल चुप रहना है। मुख से कुछ भी कहना नहीं है। बाप की याद से विकर्म विनाश करने हैं। आज का वरदान है, हर बात में मुख से व मन से बाबा बाबा कहें। मैं पन को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। हर बात में मुख से
व मन से बाबा बाबा कहे, मैं पन को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। विश्लेषण है, आप अनेक आत्माओं के उमंग उत्साह को बढ़ाने के निमित्त बच्चे, कभी भी मैं पन में नहीं आना, मैंने किया नहीं, बाबा ने निमित्त बनाया, मैं के बजाय मेरा बाबा, मैंने किया, मैंने कहा, यह नहीं, बाबा ने कराया, बाबा ने किया, तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। जितना आपके मुख से बाबा बाबा निकलेगा, उतना अनेकों को बाबा का बना सकेंगे। सबके मुख से यही निकले कि इनकी तात और बात में बस बाबा ही है। आज का स्लोगन है, संगम युग पर अपने तन मन धन को सफल करना और सर्व खजानों को बढ़ाना ही समझदारी है। संगम युग पर अपने तन मन धन को सफल करना और सर्व खजानों को बढ़ाना ही समझदारी है। अच्छा, ओम शांति।